चुनौती का सामना करना जानता है, ये भारतवासियों की खूबी है और यही भारतीयों की पहचान भी रही है। बहुत बड़ा संकट हमने झेला कोरोना वायरस के नाम का, और उस संकट में बहुत से लोगों ने अपनों को खोया। देश में गमगीन माहौल था और एक ही सवाल था, आखिरकार वैक्सीनेशन कब आएगी, आखिरकार टीकाकरण की प्रक्रिया को कब अंजाम दिया जाएगा, और कौन वो वैज्ञानिक होंगे, कौन से वो देश होंगे जो टीकाकरण की प्रक्रिया में अहम योगदान निभाएंगे। भारत के वैज्ञानिकों ने दिखाया कि किस तरह से वो यहाँ पर वैक्सीनेशन के साथ सबके समक्ष आए हैं। 16 तारीख अहम रहने वाली है, पूरे देश में टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। वहीं अभी हम जम्मू में मौजूद हैं और जम्मू में भी तैयारियां जोरों शोरों पर है, क्योंकि आज देश से विभिन्न राज्यों में इसी तरह की तस्वीरें आपको टीवी चैनल्स पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि आज विभिन्न राज्यों तक कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन को पहुंचाने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। जम्मू से तस्वीरें कुछ इस प्रकार है कि यहाँ इंतजार खत्म हुआ है, कोरोना वैक्सीन की पहली खेप जो है वो जम्मू पहुंच चुकी है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से सीधी तस्वीरें देखिए, वैक्सीन वैन जो है आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एनआरएचएम की तरफ से यहाँ पर खेप जो है पहली कोरोना की पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें जो है देखिए किस तरह से वैक्सीन को यहाँ से अनलोड किया जा रहा है, और ये तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफी है कि भारतीयों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है, जम्मू वासियों का लंबा इंतजार जो है वो खत्म हुआ है। ये कोल्ड स्टोरेज है जहां पर इस तरह से वैक्सीन को ले जाया गया, जहां पर स्टोरेज किया जाएगा, जहां पर रखा जाएगा तमाम डोजेस को, और उसके बाद जो है 16 तारीख को टीकाकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, जिसमें डॉक्टर्स शामिल होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ शामिल होगा। और ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत तस्वीरें हैं, क्योंकि ये एक ऐसी तस्वीर है जिसका लंबा इंतजार भारतवासी व जम्मू वासी कर रहे थे कि आखिरकार कब जो है कोरोना वैक्सीन की खेप जो है जम्मू पहुंचेगी। लेकिन ये देखिए खेप जो है पहुंच चुकी है, और सीधी तस्वीरें अभी आप श्री न्यूज पर देखें, तस्वीरें दिखाएंगे। ये कोविड वैक्सीन इन रेफ्रिजरेटर्स में रखी जाएगी और यहीं पर स्टोरेज होगी, क्योंकि ये कोल्ड स्टोरेज है और एक सर्टन पार्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको रखा जाएगा और टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ से ही पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। माध्यम से ये पूरे डोजेस को यहाँ पर रखा जाएगा, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए स्टेबलाइजर भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पर स्टेबलाइजर जो है वो पहुँचे हुए हैं, जिसके माध्यम से पूरी तरह से टेम्परेचर को बैलेंस करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। और ये डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज से आपको सीधी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर बना दिया गया है, और कोल्ड स्टोरेज में यहाँ पर पूरी तरह से ये वैक्सीन स्टोर है। देखिए चरणों के हिसाब से यहाँ पर काम होने वाला है, और पहला चरण जो है वो डॉक्टर्स के लिए होगा, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए होगा। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने लगातार कहा कि अफवाहों पर आप ध्यान मत दीजिएगा, तो ये भी कहा गया है कि कोविड 19 की जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से सेफ है, और आपको जो है इसमें कोई भी सवाल उठाने की बात नहीं उठती है। वहीं यहाँ पर अगर हम कहें तो तैयारियों में अभी भी तमाम हेल्थ सर्विसेज से जुड़े वर्कर्स जो हैं यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जो तैयारियाँ कर रहे हैं, कुछ ही देर में यहाँ पर कोरोना वैक्सीन जो है उसकी एक खेप जो है जम्मू में पहुंचने वाली है, जिसके माध्यम से तमाम जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उन तक जो है टीकाकरण की प्रक्रिया जो है वो पहुंचने वाली है, और टीकाकरण जो है होने वाला है। हालांकि सवाल ये भी उठता है ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम कैसे दिया जाएगा। तो ड्राई रन जिसका आगाज़ जम्मू में हुआ वो काफ़ी ज़्यादा सफल रहा, हमने आपको सीधे तस्वीरें सरवाल हॉस्पिटल से दिखाई, और कहा चुनौतीपूर्ण माहौल है और चुनौती का सामना हम कैसे करते हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन साइट वहाँ पर बनाई गई थी, और वैक्सीनेशन साइट में वेटिंग एरिया बनाया गया था, जहाँ पर तमाम जो था पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद था, उनको एक एप्लीकेशन के माध्यम से ये जानकारी भी दी गई थी कि आपने यहाँ पर आना है और ये समय निर्धारित है, ये स्थान निर्धारित है, आपको स्थान तक पहुँचना है। उसके बाद वहाँ पर वेटिंग रूम में वो तमाम लोग मौजूद थे, उसके बाद उनका चेकअप होगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया ये होगी कि हेल्थ चेकअप के बाद डॉक्टर्स जो हैं उनको वैक्सीन
वैक्सीन लगाएंगे, डॉक्टर्स वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन अहम कड़ी उसके साथ ऑब्जर्वेशन की भी जोड़ी जा रही थी। 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया होगी। एक डोज जो है जिस दिन लगेगा, यानी कि 16 तारीख को एक डोज लगेगा और उसके 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगेगा। इसी तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलने वाली है। पहले चरण में अगर हम कहें डॉक्टर्स होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ होगा और साथ ही साथ दूसरे चरण में सफाई कर्मचारी होंगे, सुरक्षा बल होंगे। तीसरा चरण जो है वो देश के उन लोगों के लिए है जो सीनियर सिटीजन कहलाए जाते हैं और उनके लिए तीसरा चरण जो है निर्धारित किया गया है। और उसके बाद जो है ये पूरे देश में इस तरह से प्रक्रिया होने वाली है। लेकिन अहम सवाल यही है कि जो डॉक्टर्स, जो पैरामेडिकल स्टाफ, जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर जंग छेड़े हुए थे, उनके लिए अहम दिन होने वाला है। 16 तारीख इतिहास में रचने वाली एक अहम तारीख भी होने वाली है, क्योंकि जिस दिन का सबको लंबे समय से इंतजार था वो दिन जो है 16 तारीख के रूप में सामने आएगा, जहां पर देश के विभिन्न राज्यों में इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी कि डॉक्टर्स जो हैं वो टीकाकरण की प्रक्रिया से गुजरेंगे और खुद को भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उनके भी परिवार है और उनको भी परिवार का संचालन करना है। लेकिन उनके लिए इस समय देश सेवा सबसे आगे है। जहाँ तक देखा जाए तो डायरेक्टर हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी रही है, आज इंतज़ार खत्म हुआ है, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, वैक्सीन का इंतज़ार सब लोगों को था और ये खुशी की बात है। इंडिया जो है प्रीमियर लीग में शामिल हुआ है उन कंट्रीज़ में जिन्होंने अपनी इंडिजिनस वैक्सीन जो है वो बनाई है अपनी लेबॉरटरीज़ में, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और ये डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड इम्यूनाइजेशन जो है उसकी उस मैंडेट के अंदर आता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो भी चलते हैं, तो सही बात है कि अब वैक्सीन आ गई है तो इंतजार खत्म। पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर सेट किया गया जो कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से डोजेस को प्रोटेक्ट किया जाएगा? हाँ, इसकी जो स्टोरेज है वो 2 to 8 degrees के ऊपर बीच में हमने रखना होता है, तो वो सब अरेंजमेंट्स हमने वैसे ही करे हैं। टीकाकरण की जो प्रक्रिया है, अगर फ्रंटलाइन वॉरियर्स का ये समाप्ति हो जाती है, उसके बाद किस तरह की प्रक्रिया होने वाली है? ये जो फर्स्ट फेज है इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को हम कवर कर रहे हैं, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। और इसमें मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनकी वैक्सीन भी आई है और जो जो मेडिकल कोर के जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनका शेयर भी है। यहाँ पर तो, मैम एक पर्टिकुलर सवाल ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट भी सामने आ रहा है और बहुत से इंस्टीट्यूट ने हामी भरी है, लेकिन यहाँ पर क्या को वैक्सीन आई है या कोविशील्ड आई है? यहाँ पर कोविशील्ड आई है। साफ तौर पर डायरेक्टर हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज की तरफ से ये कहा गया है कोविशील्ड वैक्सीन जो है जम्मू पहुंच चुकी है और पूरी प्रक्रिया को अब अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो है अगर 3 चरण पूरी तरह से सफल हो जाते हैं उसके बाद जो है आम नागरिकों तक ये वैक्सीन पहुंचने वाली है। लंबा इंतजार खत्म हुआ और भारत को आज बड़ी सफलता मिली। इसी के साथ विजुअलिस्ट अर्जुन के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।